से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग की आला क़यादत का अहम इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त पर गौर होगा। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। इजलास में राना सनाउल्ला, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब और दीगर शरीक हैं। ज़राए का बताना है कि इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त पर गौर होगा। इसी हवाले से तफसील जानेंगे हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का आला क़यादत की ज़ेर सदारत जो है आला सतह का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में वफाकी वज़रा राना सनाउल्ला, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, मरियम औरंगजेब और आज़म नज़ीर समेत दीगर शहीक हैं। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमदर्द शहबाज शरीफ भी शिरकत कर रहे हैं, जबकि सरदार अय्याज़ सादिक, मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तार, सरदार अवैस लगारी, लारा मसूद भी इजलास में शरीक हैं। इजलास जब शुरू हुआ तो मलिक अहमद खान और पंजाब के जो मिजान अली थे उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमें कहाँ कहाँ पे जो है वो स्पीच हुई और उसकी क्या वजूहत हैं, उसके वाले से आगाह किया गया। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की स्पीच पर गौर खोज किया गया और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी उसके वाले से कुछ जो है वो एजेंडा तय किया जा रहा है। जब इजलास में तमाम तक मामला तय किए जाएंगे तो उसके बाद जो है शाम को 7 बजे जो है पार्टी के सरबराह जो है नवाज शरीफ उनसे जो है वो वीडियो लिंक के जरिए उनको गा किया जाएगा और उसके बाद आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने अपडेट किया।